विराट कोहली को यो टेस्ट का स्कोर पोस्ट करना पड़ा भारी। बीसीसीआई ने लगाई लताड़ और कर सकता है करोड़ों रुपए का जुर्माना और कई मैचों तक बैन। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर को, लेकिन इससे पहले क्या विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को अपने यो जो है टेस्ट का स्कोर फैंस को बताना जो है भारी पड़ गया है। उनकी इस गलती की वजह से पूरी टीम को बीसीसीआई की लताड़ का सामना करना पड़ा। एशिया कप से पहले बेंगलुरु के अलूर में भारतीय टीम का कैंप लगा है, जहां सभी खिलाड़ियों को यो टेस्ट देना अनिवार्य है। किंग कोहली ने गुरुवार को इस टेस्ट में 17.2 स्कोर हासिल किया और इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपने फैंस के साथ यह स्कोर शेयर किया। उनकी इस हरकत के बाद जो है बीसीसीआई ने अन्य खिलाड़ियों को ऐसा करने से रोका और यो टेस्ट का स्कोर सार्वजनिक रूप से साझा जो है करना कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज का उल्लंघन बताया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली द्वारा जो है यो टेस्ट का स्कोर शेयर किए जाने के बाद अन्य खिलाड़ियों को टीम मैनेजमेंट द्वारा यो टेस्ट के स्कोर सार्वजनिक करने से मना किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार यह आदेश बीसीसीआई के आकाओं की तरफ से आया है, जिन्हें यह पसंद नहीं था कि उनका स्टार खिलाड़ी गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक करे। बता दें कि इस मामले की जानकारी रखने वाले एक बीसीसीआई के सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि खिलाड़ियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी गोपनीय मामले को पोस्ट करने से बचने के लिए मौखिक रूप से सूचित किया गया है। वे प्रशिक्षण के दौरान तस्वीरें पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्कोर पोस्ट करने से अनुबंध के नियमों का उल्लंघन होगा। अगर विराट कोहली ऐसी गलती 2 या 3 बार और करते हैं तो करोड़ों रुपए का जुर्माना और कई मैचों का बैन भी उनको जो है ऊपर लगाया जा सकता है। तो फिलहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। आपको सबसे पहले मिलेगी क्रिकेट की हर खबर। क्रिकेटरों के बीच में कंट्रोवर्सी और उनके बीच इनसाइड स्टोरी पर भी रहती है हमारी नजर। क्रिकेट के इंटरव्यू से लेकर उनके पर्सनल लाइफ तक हम रखते हैं आपको हमेशा अपडेट। इसलिए अगर आप हमारे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।